नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पहलवान सागर धनखड़ मौत के मामले में आरोपी ओलंपिक पुरस्कार विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 मई की रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या में शामिल सुशील कुमार के चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों गैंगस्टर नीरज बवाना और काला असौड़ा गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं। सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। गिरफ्त में आए चारों आरोपियों पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं और कुछ तो जेल की हवा भी खा चुके हैं। आपको बता दें, गिरफ्त में सभी आरोपियों में से सबसे उम्रदराज भूपेंद्र है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले 38 साल के भूपेंद्र राजीव काला गैंग का गुर्गा है। उस पर लूट और हत्या के 9 मामले दर्ज हैं और हाल ही में वो जेल से छूटा है। वहीं इसके अलावा 22 साल का मोहित भी झज्जर का ही रहने वाला है। उसके खिलाफ हत्या और लूट के 5 केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि वो भी राजीव काला गैंग का मेंबर है। 24 साल का गुलाब भी झज्जर का रहने वाला है। इस पर पहले से 2 केस दर्ज है और मोहित भी राजीव काला गैंग का मेंबर है, जबकि 29 साल का मंजीत रोहतक से है। मंजीत भी काला गैंग से जुड़ा है और इस पर भी 4 केस दर्ज है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के असौड़ा गांव के रहने वाले राजीव काला की मौत हो चुकी है, इसलिए सभी गैंग को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब है कि सुशील कुमार ने इन सभी को दोस्ती यारी में मदद के लिए बुलाया था। वहीं रोहिणी के DCP प्रणव तायल के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 4-5 मई की रात वो सब छात्रसाल स्टेडियम करीब 12 बजे 2 कारों में पहुंचे थे और हत्या की घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनकर अपनी गाड़ियों से नहीं भाग पाए थे और उनकी गाड़ियां वहीं रह गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।